Hello student, good morning all of you. Now we start your chemistry. तो कल हमने आपको डे फोर में इंटर किया था, हमने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सिखा रहा था, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे हमने आपको ब्रोमीन का एग्जांपल दिया था, ब्रोमीन, ठीक है। तो लास्ट टाइम में हमने आपको ब्रोमीन का एग्जांपल दिया था। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35 और मास होता है 80, ठीक है। अगर यहां पर हमने लिखा ब्रोमीन और यहां लिखा हमने ब्रोमीन प्लस केटायन, ब्रोमीन प्लस लिख दिया हमने, और यहां पे लिखा हमने ब्रोमीन माइनस, एक हमने केटायन लिया और एक हमने एनायन लिया, ब्रोमीन प्लस और ब्रोमीन माइनस, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, ब्रोमीन का यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यहां एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 35 होगा, पहला पॉइंट। चाहे वो न्यूट्रल एटम हो, चाहे वो केटायन हो और चाहे वो एनायन हो, चाहे वो केटायन हो चाहे वो एनायन हो, एटॉमिक नंबर 35 ही रहेगा। ये एटॉमिक नंबर 35 ही रहेगा, चाहे केटायन हो या एनायन हो या न्यूट्रल हो, ठीक है। दिस वन इज केटायन, दिस वन इज एनायन। तो केटायन हो या एनायन हो, एटॉमिक नंबर सेम रहने वाला है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर और वो है 35। तो यहां अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन का, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर वो है 35। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हम बोले तो एटॉमिक नंबर और वो है 35। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हम बोले तो सब में सेम आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम आएगा, चाहे वो केटायन हो चाहे एनायन हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम आएगा, प्रोटॉन का चेंजेज नहीं होगा। अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, न्यूट्रल में तो 35 होगा। यहां पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो जो न्यूट्रल में है उसमें से एक माइनस कर देने का, क्योंकि लॉस किया हमने एक, तो यहां हमारा इलेक्ट्रॉन में चेंजेस देखने को मिल रहा है, यहां 35 इलेक्ट्रॉन और यहां 34 इलेक्ट्रॉन। देखो एटॉमिक नंबर में कोई चेंजेस नहीं मिला, एटॉमिक प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं मिला, लेकिन एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन में चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन 35 है यहां 34 होगा, और यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 35 है और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो कितना हो जाएगा 36। अभी इस लेवल पे आपका गलतियां ये होता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है, हाँ या नहीं है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है जो कि 35 है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं है, इलेक्ट्रॉन 34 हो गया और प्रोटॉन 35 है। इस चीज को आप ध्यान दोगे, यहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं है, जबकि यहां इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 36 और प्रोटॉन हो गया आपका 35। इस चीज का विशेष ध्यान दोगे, क्या विशेष ध्यान दोगे, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है,
जब केटायन और एनायन होता है तो इलेक्ट्रॉन में चेंजेज आते हैं एटॉमिक नंबर में, और देखो ये दो कॉलम में किसी में चेंजेज नहीं आया है, यानी कि जब एटम केटायन बनता है या एनायन बनता है तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये वाला कॉलम, ये दो कॉलम रखो, ये वाला ध्यान दो, ये दो कॉलम ध्यान दो, ये वाला दोनों, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, ये दोनों कॉलम सेम रहता है चाहे कुछ भी केटायन कितना भी लॉस गेन हो, यानी कितना भी लॉस और गेन हो उसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक नंबर और उसका प्रोटॉन चेंज नहीं होता है। लॉस और गेन में क्या चेंज होता है, यानी केटायन और एनायन में क्या चेंज होगा, केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन इक्वल टू मास में से प्रोटॉन माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 45। अब यहां से हमें न्यूट्रॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन की तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, मास में से प्रोटॉन को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 45। मास में से प्रोटॉन को माइनस कर देंगे 45। तो एक चीज आप विशेष ध्यान रखना, ये भी चेंज नहीं हुआ, एक चीज आप विशेष ध्यान रखना कि अगर न्यूट्रल एटम है और न्यूट्रल एटम से केटायन और एनायन बनता है, न्यूट्रल एटम से केटायन और एनायन बनता है तो उसमें जो चेंजेज आते हैं वो केवल इलेक्ट्रॉन का आता है। देखो यहां पे 35 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 34 इलेक्ट्रॉन और यहां पे 36 इलेक्ट्रॉन, बाकी किसी चीज का इलेक्ट्रॉन नहीं होता है क्योंकि मास में इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन लिया जाता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन, यहां पर केवल चेंजेस इलेक्ट्रॉन में आएगा। तो इस बात को मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर न्यूट्रल है, केटायन है और एनायन है, तो केटायन और एनायन है तो इसमें प्रोटॉन चेंज नहीं होगा। देखो तो इसमें प्रोटॉन कितना है, 35 प्रोटॉन है, देखो प्रोटॉन कितना है 35, इसमें प्रोटॉन कितना है 35, इसमें प्रोटॉन कितना है 35, प्रोटॉन का चेंजेस नहीं होगा, प्रोटॉन उतना ही होगा, इलेक्ट्रॉन का चेंजेस होगा। तो इस तीनों में यानी ब्रोमीन में और ब्रोमीन प्लस में और ब्रोमीन माइनस में अगर हम बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल इलेक्ट्रॉन में चेंजेस होगा, 35 इलेक्ट्रॉन, 36 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 34 इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे लिख लो, अगर हम बात करें ब्रोमीन का तो ब्रोमीन प्लस और ब्रोमीन माइनस, तो यहां पर प्रोटॉन कितना हो जाएगा 35 35 35, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 45 45 45 और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 35 34 और 36। तो इसमें आप ध्यान दोगे क्या चेंजेज आया, इसको आप राइट डन करो, क्या चेंजेज आया, ये तो सेम है ना, ये सब में सेम है। तो केटायन एनायन बनने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किसमें इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन में, ये आना चाहिए आपको, समझ में आया क्या। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट डन क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए स्पीसीज, इन ए स्पीसीज आर इक्वल टू
आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, 18, 16 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी प्रॉपर सिंबल ऑफ स्पीसीज, देन व्हाट विल बी प्रॉपर सिंबल ऑफ, देन व्हाट विल बी प्रॉपर सिंबल ऑफ स्पीसीज, ये ऑप्शन है. व्हाट विल बी प्रॉपर सिंबल ऑफ स्पीसीज, उस स्पीसीज का प्रॉपर सिंबल क्या है. दिस वन इज योर ऑप्शन. क्या होगा आंसर? करेक्ट आंसर इज थर्ड. कैसे? देखो, इस तीनों में से डिसाइडिंग फैक्टर कौन है एटॉमिक नंबर के लिए? विच वन इज एटॉमिक नंबर, बताओ. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से एटॉमिक नंबर किसे डिसाइड करते हैं? एटॉमिक नंबर किसे डिसाइड करते हैं? प्रोटॉन से. तो दिस वन इज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर कितना है? 16. अब मुझे बताओ 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है? सल्फर का होता है कि नहीं होता है? तो सल्फर तो होना जरूरी है. अब लेकिन हम सल्फर में क्या जानते हैं? सल्फर का मास 16 होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है और मास 32 होता है. तो प्रोटॉन कितना होगा? 16. इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 16. और न्यूट्रॉन कितना होगा? 32 माइनस 16, इसमें से इसको माइनस कर दो 16. लेकिन यहां पर क्या पूछा है? यहां पर सब कुछ सेम है, ये दोनों सेम है. चेंजेस क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन है. इसका मतलब सल्फर दो इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा? गेन किया होगा. इसीलिए प्रोटॉन 16 हो गया, इलेक्ट्रॉन 16, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 18 हो गया. और न्यूट्रॉन जो हो गया वो 32 में से 16 हो गया. ठीक है. तो यहां पर जो 18 इलेक्ट्रॉन आया है, तो देखो दोनों में प्रोटॉन सल्फर हो या सल्फर माइनस टू हो, प्रोटॉन 16 और 16 ही होगा, न्यूट्रॉन 16 और 16 ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा और ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. यही डिफरेंस है. दिस वन इज डिफरेंस. इसलिए वो स्पीसीज क्या होगा? सल्फर माइनस टू. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऑफ एन स्पीसीज, ऑफ ए स्पीसीज, the number of electron, proton and neutron of a species, the number of electron, proton and electron, sorry, electron, proton and neutron of a species is 10, 13 and 14. So, what will be symbol of species, उस species का symbol क्या होगा? एक कैंसर आया कौशल का,
और करेक्ट आंसर है तनुश्री का आंसर आया, और लेकिन गलत है, ऑप्शन नहीं है। आप एटॉमिक नंबर पढ़े ना, तो जो एटॉमिक नंबर आप जानते हो 10 तक जानते हो ना, अब उसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे उल्टा, ये आप हायर क्लास में आ गए हो इसलिए आपसे क्वेश्चन जो है पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा। अब देखो एटॉमिक नंबर सब जानते हैं, अब क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो। विनय का भी आंसर करेक्ट है, अदिति का आंसर थोड़ा सा गलत हो गया। आकाश का आंसर गलत है, साक्षी गलत है। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपने बहुत जन ने आंसर दिया था, इस क्वेश्चन में क्या हो गया, क्या वो वॉल्यूम से था इसलिए आंसर देख के मार दिए। आंसर क्या होगा इसका, दो तीन जनों का ही सही आंसर आया है। इसका आंसर होगा एल्युमिनियम प्लस 3। देखो कैसे, इससे हम कैसे पहचानेंगे, तो प्रोटॉन से पहचानेंगे। प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन है 13, तो एक ही लाइन से हमारा आंसर तो एल्युमिनियम आना मस्ट है। यही हमारा जवाब देता है एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर के बारे में केवल प्रोटॉन बताता है, तो 13 से हमें समझ में आ गया कि एटॉमिक नंबर ए एल्युमिनियम होना मस्ट है, तो एल्युमिनियम के अलावा कोई आंसर होगा भी नहीं। ठीक है, तो एल्युमिनियम आंसर होना मस्ट है, यानी ऑप्शन में एल्युमिनियम मिलेगा तभी होगा। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और मास 27 होता है। बाय द वे अगर मास नहीं भी याद है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाय द वे अगर मास नहीं भी याद है हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एटॉमिक नंबर 13 है तो प्रोटॉन कितना होगा 13, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 13, क्योंकि न्यूट्रल है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला है कि इलेक्ट्रॉन 10 है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए हैं। तो न्यूट्रॉन्स के बारे में अगर हम नहीं भी जाने तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से डिसाइड कर रहे हैं। तो प्रोटॉन इसमें भी 13 होगा, प्रोटॉन इसमें भी 13 होगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन 10 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 13 है। तो हमारा सेकेंड जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से हम डिसाइड कर ले रहे हैं कि वो एलिमेंट कौन है, उस पर चार्ज कितना है। यहां ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो लॉस करते हैं तो चार्ज प्लस में आता है। जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, केटाइन केटाइन बनता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहां इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना मतलब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाना ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही हमारे पास एक फैक्टर है जिससे हम इस एलिमेंट को पहचान लेंगे और इलेक्ट्रॉन से हम उस पर चार्ज पहचान लेंगे। न्यूट्रॉन्स नहीं भी जाने तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यही है क्वेश्चन, आप अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जानते भी है कि कैसे निकाला जाता है तो उसका आप आंसर करना सीखो। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। देखो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जानते हो, ऐसा नहीं कि मैं, आप 10th क्लास से पढ़ के आए हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना, पढ़ के आए या नहीं पढ़ गया, सबने पढ़ गया है कि नहीं पढ़ गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है।
नेक्स्ट बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन एन स्पीसीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन एन स्पीसीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन एन स्पीसीज इज 18, 16 एंड 16, सॉरी वन मिनट चेंज करना, 10, 8 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, 10, 8 एंड 16 रिस्पेक्टिवली इन एन स्पीसीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर 10, 8 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। नेम दी स्पीसीज, स्पीसीज का नाम बताओ। निकिता, चेक योर आंसर। साक्षी, ऑक्सीजन नहीं है, स्पीसीज का नाम क्या है? तो ये हमें इससे पकड़ में आएगा कि ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो प्रोटॉन जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर जो है 8 है। मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो ऑक्सीजन का प्रोटॉन कितना 8, इलेक्ट्रॉन कितना 8, और यहां 8 और 16 होता है। न्यूट्रॉन कितना, 16 माइनस 8, 8 हो गया। तो हालांकि वन मिनट, एक चीज थोड़ा सा मिस हो गया, यहां पर न्यूट्रॉन 8 होगा, ठीक है, न्यूट्रॉन यहां पे 8 होगा। अब यहां पर ध्यान देना, प्रोटॉन यहां पर 8 है, तो 8 है तो ऑक्सीजन तो होना मस्ट है, लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 8 है और इलेक्ट्रॉन जो 10 है। इसका मतलब पहले तो 8 था और इसने दो इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, तब 10 हुआ ना। तो इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो कौन सा चार्ज क्रिएट होता है, नेगेटिव। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 2, तो हो जाएगा -2। न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, न्यूट्रॉन उतना ही रहेगा। न्यूट्रॉन में अभी अभी मैं बोला कि चेंजेस नहीं होता है, जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूट्रॉन होगा, चाहे इस स्पीसीज में या इस स्पीसीज में, लिख लेना इस चीज को। न्यूट्रल हो या एनायन हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं। केवल चेंजेस किसका देखने को मिलेगा, चेंजेस इलेक्ट्रॉन्स का देखने को मिलेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। राइट डाउन कर, हर पॉइंट को आप राइट डाउन करते रहो, जो भी फैकल्टी आपको टीच करता है, जहां पर अगर क्लू मिला, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, उस पॉइंट्स को अपने लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश मराठी उर्दू जितना भी लैंग्वेज आता है उसमें अपने लैंग्वेज में उसको लिखने का, ताकि वो चीजें हमें समझ बढ़ती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट चाहिए, नहीं कि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जानते हैं तो हर चीज कर पाएंगे हम, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आपको आईक्यू लेवल यहाँ पर चलता है, आपके पास आईक्यू कितना है। ये नहीं कि सर हम भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जानते हैं, तो सबके पास आंसर आना चाहिए था, फिर गिने चुने 5-6 आंसर आ रहा है। इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जानते हो निकालना, लेकिन यूज करना नहीं जानते आप, उसमें दिमाग लगाना नहीं जानते, कैसे इस चीज को पकड़ा जाए, तो उस चीज के एप्लीकेशन को सीखना है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर आएगा क्वेश्चन में निकाल दोगे तो
एक क्वेश्चन और लिख लो और जल्दी से मेरे को बताओ कि क्वेश्चन ये है कि एल्युमिनियम है और 30 है और यहाँ 27 है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और यहाँ न्यूट्रॉन लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम प्लस 3 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्लोरीन है, ये क्लोरीन 17 और 35.5 होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखना है। फिर क्लोरीन माइनस है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखना है आपको। फिर है सोडियम, सोडियम होता है 11 और 23, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखना है आपको। और यहाँ पे है सोडियम प्लस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखना है आपको। कैल्शियम यहाँ 20 है और यहाँ 40 है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखना है। फिर कैल्शियम प्लस 2 है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखना है। जल्दी से सारे स्टूडेंट विद इन 2 मिनट के अंदर आंसर करो। इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज प्रोटॉन। जितना एटॉमिक नंबर न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा न्यूट्रॉन 14। अब यहां पर और यहां पे इसके लिए ये दोनों सेम होगा, चेंज क्या होगा तो 13 इलेक्ट्रॉन है, 3 लॉस हो गया क्योंकि प्लस है ना, तो 3 लॉस हो गया। तो चेंज कहां देखने को मिला, यहां क्लोरीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, दिस वन इज एटॉमिक नंबर 17। अब देखो यहां एवरेज में है, अब इसके बारे में मैं बताऊंगा कि डेसिमल में क्यों आता है, डेसिमल में आने का रीजन क्या है। तो यहाँ 35 मान लो क्योंकि न्यूट्रॉन वगैरह डेसिमल में नहीं होते हैं, समझ में आया क्या। तो यहाँ 35 मान लो आप क्योंकि न्यूट्रॉन डेसिमल में नहीं आते हैं, तो यहाँ भी 17 और यहाँ 18। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रल है ये दोनों बराबर होगा, और ये कितना होगा 17 और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11 और ये 23 माइनस 11 12। इलेक्ट्रॉन 11 माइनस 1 10, प्रोटॉन 11 12, कैल्शियम 20, प्रोटॉन 20 और ये 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा 20। इलेक्ट्रॉन कितना 20 माइनस 2 18, प्रोटॉन 20 और ये 20, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा और ये दोनों बराबर होगा। अब मुझे बताओ कहीं डाउट है तो, क्लोरीन के बारे में 35 लेंगे, डेसिमल में नहीं लेते हैं, ठीक है। अब ये डेसिमल में क्यों आता है उसको मैं रीजन आगे बताऊंगा, अभी इसी आपके टॉपिक में जब मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स पढ़ाऊंगा तब। अब मुझे बताओ इसमें से किसी को कोई डाउट। नाउ स्टार्ट डे 5। डे 5 में है टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहले हमने मैटर का टाइप पढ़ा था, एलिमेंट। मैटर में हमने 3 टाइप डिवाइड किया था, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब हम मैटर में जो पार्टिकल्स है उसके टाइप हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है टाइप ऑफ एटम में 4 टाइप आता है, तो ये धीरे धीरे हम आगे सीखेंगे। टाइप ऑफ एटम में, टाइप ऑफ एटम में यानी एटम और एटम के बीच में रिलेशन देखा जाता है, तो ये होता है आइसोटॉप्स। आज पढ़े भी होंगे आइसोटॉप्स, पढ़े ना आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोटोन और आइसोडाइपर, आइसोडाइपर।
एटम्स के, दो एटम्स के बीच के रिलेशन बताता है। टाइप ऑफ आयंस, इनके बेसिस पे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक केटायन और एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक एनायन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटायन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनायन, और जो होता है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स है तो आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म और आइसोइस्टर, आइसोइस्टर, आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स। तो पार्टिकल्स किस टाइप के हैं, पार्टिकल्स का टाइप क्या है, एटम के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो हम आइसोटॉप्स, आइसोबार पहले से पढ़ के आते हैं, यहां हमें आइसोटोन्स पढ़ना है और आइसोडाइपर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पढ़ना है और आइसोइस्टर और आइसोमर पढ़ना है। तो ये हमारे को डे 5 में, डे 6 में और 7 में कवर होगा। डे 5, 6, 7 आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक अगर हम पढ़ते हैं तो डे 5, 6, 7 तक कवर हो जाएगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे डे 5 प्लस डे 6 और डे 7, यहां तक आपका ये हम सारे अगर स्टडी कर लेते हैं तो हमारा डे 7 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। इसमें पहले हम आइसोटॉप्स के बारे में जानेंगे, फिर आइसोबार के बारे में जानेंगे। तो हेडिंग डालो अब आइसोटॉप्स, ये लिख लियोगे तो हम यहां सब स्टार्ट करते हैं। आइसोटॉप्स हम वन बाय वन सबके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला जो हमारा स्टडी होगा वो होगा आइसोटॉप्स। तो हेडिंग डालो आइसोटॉप्स और ध्यान से समझोगे आइसोटॉप्स का डिफिनेशन क्या होता है, आप बताओ। आइसोटॉप्स का डेफिनेशन क्या होता है, द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट मतलब सेम एटॉमिक नंबर। सेम एलिमेंट मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, एटॉमिक नंबर सेम, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर चेंज होता है तो एलिमेंट भी चेंज होता है। एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यूनिक नंबर होता है, जैसे हमारा आधार कार्ड नंबर यूनिक होता है, आधार कार्ड नंबर यूनिक होता है ना, तो उसी तरह से एटॉमिक नंबर भी उस एलिमेंट का यूनिक नंबर होता है। एक एटॉमिक नंबर किसी दो एटम का नहीं हो सकता है, लेकिन दो एटॉमिक मास दो एटम का हो सकता है, सेम एटॉमिक मास दो एटम का हो सकता है, लेकिन एक एटॉमिक नंबर दो एटम का नहीं हो सकता है, यूनिक नंबर होता है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट या सेम एटॉमिक नंबर हैविंग डिफरेंट मास, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स की वजह से सब कुछ ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और 1 होता है, 1 और 2 होता है, सेम एलिमेंट है। यहां अगर हम एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें, एटॉमिक नंबर 1 है, 1 है और 1 है। यहां हम एटॉमिक मास के बारे में बात करें, तो 1 है, 2 है और ये 3 है। तो हमने अभी डिफिनेशन क्या दिया, एटॉमिक नंबर विल बी सेम बट एटॉमिक मास विल बी डिफरेंट, तो दीज आर नोन एज, ये तीनों को हम क्या बोलते हैं, ये हम आइसोटॉप्स, इसके बीच में क्या बोलेंगे, ये आइसोटॉप्स है
और इसको हम नाम देते हैं प्रोटियम, प्रोटियम। इसको हम नाम देते हैं ड्यूटेरियम, और इसको नाम देते हैं ट्रिटियम। दैट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर आइसोटॉप्स टू ईच अदर, आइसोटॉप्स टू ईच अदर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस तीनों में मैं आपको एक होमवर्क असाइनमेंट देता हूं, तो आप उसको बनाओगे। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप निकालोगे, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये यहां पर आप तीनों के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप निकालोगे, एटॉमिक नंबर निकालोगे। ठीक है, ओ 16 और ओ 18, इसके लिए भी आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास निकालोगे। ठीक है, तो कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे कि इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा एक आइसोटॉप्स का, ये सब आप निकाल के लाओगे। तो अभी तक कोई डाउट है तो आप बोलो।